हेलो ऑल ऑफ यू। सो बीपीएससी जो है एसआई का जो सीरीज चल रहा है टेस्ट सीरीज का, होप यू लाइक द वीडियो। टेस्ट सीरीज पे 1 एंड 2 मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। ये थर्ड वीडियो है इस सीरीज का। बेसिकली ये मार्कमैन, मैं पूरा इस बुक को कवर करने वाला हूँ। टेस्ट सीरीज मैक्सिमम ऑफ 15 टेस्ट चलेगा। या पे फिर बिहार दरोगा के लिए तो है ही, पर इसके अलावा भी काफ़ी सारे एग्जाम हैं, क्योंकि आप जितने भी एग्जाम लिए जा रहे हैं वो सारे कॉमनली लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसी एग्जाम के लिए आज प्रिपेयर कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन बेसिकली और भी जितने भी एग्जाम हैं, एटलीस्ट बिहार से रिलेटेड हो या और रिलेटेड हो, तो ये आपको हेल्पफुल करेगा। एंड आप इससे ये भी देख सकते हो कि आपका नॉलेज कितना है। सो इस सीरीज का ये जो थर्ड है, इसे स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मार्जिनल प्रॉपर्टी टू कंज्यूमर लाइज बिटवीन। सबसे पहले आप ये जान लो कि मार्जिनल प्रॉपर्टी ऑफ कंज्यूमशन होता क्या है और ये कहाँ से कहाँ लाइज तक लाइज करता है। तो ये एक इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया। और बेसिकली अगर सिंपली अगर आपको सिर्फ मार्जिनल प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट के लिए अलग अलग होता है, लेकिन अगर कंजम्पशन बोल दिया जाए कंज्यूम करने के लिए, तो उसके लिए सिंपल 0 से लेकर 1 तक लाइज कर देना है। ये डायग्राम है इसका, 0 से लेकर 1 तक वाइज जो करता है ये होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। सेकेंड, इंडिया इज द फ्लोइंग रेगुलेटेड फॉरवर्ड मार्केट। तो कौन सा टर्म है, कीवर्ड हम लोग फोकस करेंगे किसी भी क्वेश्चन का, सबसे पहले कीवर्ड देखते हैं। तो एक कीवर्ड हो गया फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। अब इससे क्या रिलेटेड पूछ रहा है, तो रेगुलेट कौन करता है इसे। तो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन को रेगुलेट जो करता है वो कम्युनिटी फ्यूचर, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कम्युनिटी फ्यूचर। इसके अलावा भी देख लेते हैं कि फॉरवर्ड मार्केटिंग का जो कमीशन है वो क्या, इसके फैक्ट क्या क्या है। तो इट रेगुलेट 70 ट्रिलियन वर्थ ऑफ द कमोडिटी ट्रेड इन द इंडिया, यानी कि 17 ट्रिलियन, यानी कि ह्यूज अमाउंट, यानी बड़ी अमाउंट का जो इसका ट्रेड है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। और इसको प्रिफर कौन करता है, कौन सा डिपार्टमेंट है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। व्हाट इज द रूलिंग डायनेस्टी कैपिटल इज नॉट ए करेंटली मैच। तो इनमें से कौन सा चीज है जो उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, जो डायनेस्टी है उसका प्लेस है वो मैच नहीं कर रहा है। तो थर्ड ऑप्शन है चालुक्य। तो चालुक्य जो है हमारे साउथ में, जो तीन पहले थे चालुक्य, चोला एंड पांड्या, वो सारा चीज है, लेकिन इसमें लिया हुआ है तंजोर। ये बेसिकली ये जो है पाला डायनेस्टी में आता था, और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि ये चालुक्य में है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ये लोकेशन मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। विच ऑफ द फ्लोइंग लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन द टोडामन सिस्टम। तो एक जो पर्सन है टोडामन, ये राजा टोडामन के नाम से जाना जाता है, और ये राजा टोडामन फाइनेंशियल मिनिस्टर है अकबर के टाइम पर, राइट। एंड ये बेसिकली काफी लैंड जो रेवेन्यू इनके टाइम में हुआ करता था, काफी ह्यूज अमाउंट रहता था। तो ये पूछा कि कौन सा अरेंजमेंट किया गया है राजा टोडामन के या टोडामन सिस्टम के नाम से इनको जाना गया। तो जेप्ती सिस्टम या द साला सिस्टम, ये दोनों कोई भी ऑप्शन दे दे, दस साला या जबती, दोनों एक ही हैं। और ये राजा टोडामन के जो है, लेकिन फर्स्ट इन्होंने प्रैक्टिस किस टाइम पर किया था, शेर सासुरी, ये उसी के जस्ट अकबर के पाले वाले जो थे, हमने बिहार से रिलेटेड है, बिहार को फिर से दोबारा मेडिवल टाइम में एक पहचान दिलाने में इनका काफी बड़ा योगदान था। अप्रोक्सिमेटली व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्विच कैनाल। तो स्विच कैनाल लोकेटेड कहाँ है, और ये स्विच कैनाल किस किस सी को जोड़ता है। तो कई तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि स्विच कैनाल पर लोकेट आप देख लो कहाँ पर है। तो स्विच कैनाल जो है वो यूरोप अफ्रीका को एशिया के बीच का एक गैप है, राइट। सऊदी अरबिया और इस तरफ जो होगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इसके बीच से एक क्रॉस करता है स्विच कैनाल। ये वाला हमारा इंडियन ओशियन हो गया, इससे इसके अंदर में जाएंगे तो रेड सी होगा, और रेड सी को ये कनेक्ट करता है मेडिवल सी से, आगे में मेडिवल सी होगा। इसका इसका लेंथ क्या है, तो इसमें 164 था, पर आफ्टर द हैव जब पूरी तरह से कंप्लीट हो गया तो 193 किलोमीटर का इसका लेंथ हो गया। तो 193 इसका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट, ये दोनों भी पॉइंट याद रखना होगा, जो कि टेस्ट वन में ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो आप टेस्ट वन आप देख लीजिए, इसके पेपर रहेगा। उक्राई प्रोजेक्ट कहाँ पर सिचुएटेड है, ये गुजरात हमारा, तो गुजरात के तापी रिवर, पहले कौन सा रिवर है, तो तापी रिवर हो गया गुजरात में, दूसरा स्टेट हो गया। एंड कौन सा डैम है, उकाई डैम। इस डैम को हम लोग पुराने वर्ड में वहां पर जो है सरदार सरोवर डैम के नाम से भी जाना जाता है, और वल्लभभाई सागर भी है। वो एक जो गैप हो गया वहां पर, रिसोर्स जो बन गया वल्लभभाई, अभी हाल ही में वहां पर सरदार वल्लभभाई पटेल का स्टैचू भी, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्टैचू वहां पर डेवलप किया गया। लोक केयोत दर्शन किसे, मतलब किसने एक्सपेंड किया था, योगदान दर्शन ने,
तो एक बेसिकली जो कार्विक है, कार्विक इनके द्वारा जो लोकायत जो है, काफी एशियन बुक है तो इसलिए फेमस है काफी चीज के लिए। तो कोडावा इज द इंडिजिनस ड्रेविडियन लैंग्वेज, देयर लॉट ऑफ लैंग्वेज आर अवेलेबल राइट। उसमें से ड्रेविडियन जो होता है बेसिकली हम लोग साउथ इंडियन को कहते हैं, एंड उसमें से बोल रहा है कि आज जो इंडेंजर हो गया है यानी कि विलुप्त हो रहा है वहां के लोगों जो लैंग्वेज बोल रहे थे। तो बेसिकली ये कहाँ से लोकेटेड है, किस स्टेट से लोकेटेड है ये जो लैंग्वेज है, तो ये कोडागु डिस्ट्रिक्ट से लोकेटेड, और ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है वो केरला में बनता है, यहाँ पर ये सिचुएटेड है, और यहाँ पर जो है वेस्टर्न घाट है, तो यहीं के जो ट्राइबल पीपल थे वही इनका लोकल लैंग्वेज, और काफी ओल्डेस्ट लैंग्वेज माना जाता है जो कि अब काफी कम लोगों के पास ही ये सीमित हो गया। वे हैव नो द फॉलोइंग इज नॉट ए मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड नहीं है इनमें से ऑप्शन, ये सारे मिस तो हैं लेकिन सुषमा सेन जो सेन है वो मिस वर्ल्ड नहीं होकर मिस यूनिवर्स है। मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मिस यूनिवर्स जो होता है वो सबसे टॉप लेवल का, उसके नीचे जो है मिस वर्ल्ड होता है। तीन दोनों ऑप्शन में से ये सारे ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सुषमा सेन जो है वो हमारी मिस यूनिवर्स है रह चुकी है। सो व्हाट इज द चीफ क्रॉप ऑफ श्रीलंका, विच इज द कंट्री ऑफ सेल्फ सफिशियंट, मतलब खुद से ही काफी वो प्रोड्यूस कर सकता है, वो किसी दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं है, तो राइस। और बेसिकली राइस जो है इंडिया भी है सेकंड नंबर पर राइस प्रोड्यूसर चाइना के बाद, और इंडिया भी खुद सेल्फ सफिशियंट है राइस के मामले में, और श्रीलंका भी खुद के सेबल है। और इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड का अगर आप पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड का जितनी भी कंट्री है वो राइस पर सेल्फ सफिशियंट ही है। अप्रोक्सीमेटली 50% तो कंट्री ऐसे होंगे जो राइस प्रोड्यूस होता है। और सेकंड चीज, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है राइस का ही होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर कैडमियम में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट, उस समय जो है वहां पर डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज किया जाता है, उसमें से एक कैडमियम टूल्स है। इसका यूज कहाँ पर है, किस चीज के लिए, एज ए फ्यूल, एज ए मॉडरेटर, एज ए कंट्रोलर, क्या है, तो एज ए कंट्रोलर के रूप में होता है। मान के चलो कि अगर न्यूक्लियर रिएक्टर जो है काफी यूज अमाउंट में अगर रिएक्ट छोड़ दे, न्यूक्लियर यूरेनियम एक्सिट कर ले, तो एक ही जगह काफी जैसे बम्बार्डिंग हो जाता है ना, बम्बार्डिंग में क्या होता है वो कंट्रोल नहीं रहता है, पर न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल होता है, और ये कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, यही हमारा टूल्स जो है कैडमियम टूल्स के द्वारा जो है न्यूक्लियर रिएक्टर को कंट्रोल किया जाता है। तो कंट्रोलिंग पर्पज के लिए हम लोग कैडमियम का यूज करते हैं। गन पाउडर का बेसिकली नाम पूछ रहा है, जनरल वे में तो हम लोग गन पाउडर बोलते हैं, पर इसका नाम क्या है, केमिकल नेम अगर केमिस्ट्री के व्यू से देखा जाए तो इसका नाम क्या होता है, तो इसको पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से जानते हैं, KNO3 शॉर्ट में। तो एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, चाहे तो वो पोटेशियम नाइट्रेट बोल दे, साल्ट पीटर बोल दे, KNO3 बोल दे, तो आपको सारा याद रखना होगा इसका बेसिकली, लेकिन जनरली वो पोटेशियम नाइट्रेट से ही पूछेगा एनी चार ऑप्शन से। ऑलरेडी ये काफी एग्जाम में पूछ भी चुका है राइट, तो ये इंपॉर्टेंट होता है साइंस पर्पज के लिए भी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 3 ऑर्गन कौन कौन सा है राइट, तो लेजिस्लेटिव होगा, एग्जीक्यूटिव होगा, और जुडिशियरी, 3 है। इसके अलावा फोर्थ पिलर मीडिया के रूप में बोला जाता है, पर 3 जो है मेन इंपॉर्टेंट जो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव जो रूल बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो रूल अप्लाई करता है, और जुडिशियरी जो रूल को सही देखता है कि कंस्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं। नेक्स्ट है डिसीजन मेड बाय विच कोर्ट हैज बाइंडिंग ऑल अदर कोर्ट इन इंडिया, मतलब वैसे कोर्ट का नाम बताना है जो सारे कोर्ट का फादर हो, या वो कोई भी रूल कर सकता है, या हाई कोर्ट अगर कोई चीज सुना दिया जजमेंट अपना तो वो उसको हटा भी सकता है, इतना पावरफुल होना चाहिए। तो एक ही है हमारे पूरे इंडिया में, एक ही सुप्रीम कोर्ट है, वो दिल्ली में है सिटेड, और यही सारे कोर्ट का फादर है। द स्पर्म फॉर्म इन द टेस्ट एट आर डिलीवरी थ्रू द विच ऑफ द यूनिट एट द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरेनियस ब्लडर, तो यूरेनियस ब्लडर से कौन सा जो है वो वेस्ट डिफेंडर, ये सारे नाम जो है आपको याद रखना होगा क्योंकि काफी कुछ भी इसमें से पूछ सकता है। तो वो टेस्टिस है, वेस्ट डिफेंसर है, एनस है, ग्लैंडर है, पेनिस है, क्रॉप्स है, रेक्टम है, रिज, तो ये सारे नाम जो है एटलीस्ट आपको याद रखना पड़ेगा। और ये जो टेस्टी से जो कनेक्टेड होता है वो वैस होता है, तो सिर्फ एक वर्ड भी ये याद रखना है, पूरे सबका पूरे डिटेल फॉर्म नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ 4 ऑप्शन में से एक ही वर्ड को चूज करना है, तो इसलिए आप सबका एक छोटा छोटा नाम सेमी भी याद रख सकते हो, जैसे ये पूरा सेमी है तो पूरा सेमी ना याद करके सेमी ट्यूबल्स भी याद रख सकते हो। सो नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जालम, जालम बेसिकली क्या होता है कि जालम
प्लांट में पाया जाता है, राइट। और ये क्या करता है कि पूरे प्लांट को वाटर सप्लाई करने का काम इसका है, राइट। कुछ तो कोई काम करेगा, किसी का तो नाम रखना पड़ेगा। तो इसमें से बहुत सारा नहीं है, जालम का काम जो कैम्पेसियन सेल जो है वो सेल का काम करेगा, वो वाटर क्यों सप्लाई करेगा, या उसका पार्ट नहीं है जालम का। तो कैम्पेसियन सेल एक रैंडम थिन वॉल होता है बेसिकली साइटोप्लाज्म, एंड इसका फंक्शन क्या है, इज ए लाइफ प्रोटेक्टर्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने के लिए एक है। मोटोकॉन्ड्रियन है, मोटोकॉन्ड्रियन लाइक के मोटोकॉन्ड्रियन जहां भी लिखा होगा मतलब एनर्जी सप्लाई करने के लिए ये काम करेगा। ये जालम का हो गया, और ये पोलियन सेल टाइप्स जो है डिफरेंट डिफरेंट सेल है, और जो ट्यूब स्ट्रक्चर शेप होगा जालम बेसिकली सिंपल सा, पे को हर एक घर में जो पाइप कैसे सप्लाई होता है पाइप थ्रू ए ट्यूब, प्लांट में भी इसी तरह से छोटे छोटे ट्यूब बने होते हैं। जितने बड़े प्लांट हो गए, जितने स्ट्रॉन्ग प्लांट होगा उसका ट्यूब का साइज बड़ा होगा, तो ये सारा चीज इसी से पास होता है। बस इसका अब्जॉर्बेशन कैपेसिटी जो होता है सब जगह होता है, क्योंकि ये खुद से ही ग्रो हो रहा है। हम लोग बाई फोर्स मैकेनिक्स मशीन के द्वारा हम लोग पानी को ग्राउंड से लेकर के फिर टंकी तक पहुंचाते हैं एंड देन सप्लाई करते हैं ओवरऑल हाउस में। इसी तरह से इसका भी काम है जालम, बस लाइक के आपका मोटर जो काम करता है वाटर मोटर, बस सेम टू सेम वाटर वोटर इन जालम में प्लांट के लिए। सो विच ऑफ द फ्लाइंग कंट्री डज नॉट हैव कोस्टल ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी के ये हमारा पूरा ओवरऑल मैंने मैप जो ये देखा हुआ है मेडिटेरेनियन सी के, इसके आसपास का देख लो कहाँ कहाँ पर इसका कौन कौन सा कंट्री बसा हुआ है। और अगर ये कंट्री बसा हुआ है जैसे टर्की, टर्की यहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी के, फ्रांस यहाँ पर है, ये भी है, बेल्जियम, बेल्जियम जो है यहाँ पर नहीं है, वो है पड़ता है ऊपर में इसके, फ्रांस के ऊपर में पड़ेगा बेल्जियम, तो वो मेडिटेरेनियन सी से है। और ग्रीस हो गया हमारे यहाँ पर, इसके अलावा भी बाकी सारा चीज भी जैसे मोरक्को हो गया, अल्जेरिया हो गया, टूनिसिया हो गया, लिबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, इसराइल हो गया, जो जॉर्डन नहीं सीरिया एंड इटली, ये पूरा का पूरा इटली है, और ये ग्रीस हो गया, और यहाँ पर और भी कुछ छोटे मोटी कंट्री है, स्पेन इस तरफ है, पोर्तुगल यहाँ से नहीं मिलता है मेडिटेरेनियन सी, तो ये पूरा मेडिटेरेनियन सी है। इसके आप एग्जैक्ट थोड़ा मोड़ा एक बार मैप भी याद रखोगे तो इजिली ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। विच ऑफ द फ्लाइंग इज ए अल्पिन कंट्री, अल्प एक ऐसा मूवमेंट हुआ था जो इटली से वर्ल्ड वार वन के टाइम पे हुआ था, तो वर्ल्ड वार वन के टाइम से इटली में जो अल्प, तो अल्प को डायरेक्ट सिंपली इटली से कनेक्ट कर देना, ये वर्ड जैसे ही देखो उसको इटली। पंचायती राज सिस्टम वॉच, यहाँ पर वॉच नहीं है, वॉच है, फॉर्मड इन द ईयर अमेंडमेंट इन द कंस्टिट्यूशन, तो पंचायती राज पहले अमेंडमेंट देखना है कौन सा शेड्यूल में है, ये भी आपको याद रखना है, कब ये लागू हुआ था इंडिया में वो भी याद रखना है, और किसके द्वारा अगर बेसिकली लागू किया था, काफी सारे इसमें अमेंडमेंट किया गया था, लेकिन मेन जो है 73 और म्यूनसिपालिटी के लिए 74, ये अप्लाई हुआ था 1992 में, ये तीन फैक्ट याद रखना। The Constitution ensured the security of the NH of CEC, मतलब Chief Election Commission of India. तो Chief Election Commission of India को 6 साल के लिए ठीक है, पर until कितने एज तक होना चाहिए, एक एज लिमिट होता है, तो ये Chief Election of Commission के लिए एज लिमिट किया गया 65. तो अगर किसी का 60 में अगर इस जो CEC बनते हैं, राइट, तो उसको 65 ईयर तक लाएंगे, उनका ऐसा नहीं है कि एक साल और एक्सटेंड 66 दे दिया जाएगा, वो 65 में ही रिटायर हो जाएंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेवलेंथ 5 दिया हुआ है, स्पीड 360 दिया है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बताना है, तो ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पर आप पुट करके आप निकाल सकते हो, 72 आ जाएगा इसका। साउंड वेव कंप्रेशन आर रीजन विच द डेंसिटी, साउंड वेव जो है उसको कहते हैं कंप्रेस करो, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ कहते कंप्रेस करोगे, तो हाई प्रेशर एंड सेकंड चीज इफेक्ट होता है डेंसिटी, तो डेंसिटी एंड हाई प्रेशर दोनों क्या होना चाहिए, दोनों हाई होना चाहिए, यानी कि प्रेशर और डेंसिटी जो होना चाहिए वो दोनों हाई होना चाहिए कंप्रेस करने के लिए किसी भी वाटर को, साउंड को। सॉइल कंटेंट डिले लिविंग ऑर्गेनिक, तो उसको क्या करते हैं, जब भी सॉइल में अगर चीज लिविंग ऑर्गेनिक आने के बाद उसको मॉइस्चर को बढ़ा देता है, फर्टिलिटी बढ़ा देता है, तो वो सारा चीज जो है ह्यूमस का काम है। ह्यूमस बेसिकली है क्या, अब ह्यूमस के बारे में थोड़ा सा ध्यान, ह्यूमस बेसिकली ये है कि पूरे एनिमल जो है, पूरे प्लांट वगैरह हो गए या फिर डीकम्पोज वगैरह कर करके वो सड़ गड़ कर करके पूरे मिट्टी में जो है एक सॉफ्ट मिट्टी का अलग से फॉर्मेशन करेंगे, इसमें टाइम टेकन है, थोड़ा सा टाइम टेकन भी होगा, और ये जो होगा सॉइल के जैसे जो चीज प्लांट में पाया जाता है, अब वो चीज न्यूट्रिशन प्लांट में जो भी है वो बचा हुआ है, गलने के बाद भी बचा हुआ है, वो मिक्स हो जाएगा सॉइल में, और मिक्स होने के बाद वही चीज
फॉर एग्जाम्पल मैं आप ऐसे समझो कि अगर सॉयल जो है हमारा उसमें नाइट्रोजन की कमी है, राइट, और एक ऐसा प्लांट है जो सड़ करके उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो वो नाइट्रोजन जो है सॉयल में मिल जाएगा और सॉयल जो है नाइट्रोजन से फर्टाइल हो जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया होता है इसी को ह्यूमस कहते हैं। सो विच ऑफ द फ्लाइंग इज वन ऑफ द पावर हैज ए रासमान, काफी सारा फैक्ट है लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है ये सब खेला हुआ, अगर मनी बिल से देखा जाए तो मनी बिल को यहाँ पर प्रूव किया जा सकता है, साथ साथ राज्यसभा में किसी भी अमेंडमेंट मनी बिल से रिलेटेड हो तो आप राज्यसभा में जाओगे, लोकसभा में नहीं, राइट। इमरजेंसी है पर लैंग्वेज ऑफ जावा स्क्रिप्ट, वीवीएस स्क्रिप्ट बेसिकली होता है जब भी आप वेबसाइट खोलोगे, राइट, फ्रंट प्रिंट, और थोड़ा सा वेबसाइट के बारे में अगर नॉलेज होगा जब सर्च मारते हो गूगल पर, एक ब्लैंकेट में होगा F12 या F11 डालने पर वो एक छोटा सा बाय कोडिंग फॉर्म में आ जाता है। कोडिंग फॉर्म में जो होता है HTML का वो पूरा चीज जो होगा फॉर्म होता है, इसका एक बहुत सारा स्लाइड होता है, उसमें से एक स्लाइड जो होता है वेब स्क्रिप्ट होता है। तो ये एक जावा स्क्रिप्ट का लैंग्वेज है तो, और ये कोडेड होता है किसी भी चीज के लिए ताकि आप सिक्योर फील कर सकें, आपका ब्राउजर सिक्योर रह सके। सो रन सनराइज इंडस्ट्री क्या होता है, सनराइज इंडस्ट्री किसी कंपनी का नाम नहीं है, एक ग्रुप बनाया जाता है इंडस्ट्री में। तो बेसिकली जो इस ग्रुप, जैसे फॉर एग्जांपल में इस ग्रुप में किसको डाला जाएगा, राइट, सनराइज इंडस्ट्री है मान दिए कर लिया जाए, तो दो तरह की इंडस्ट्री हो, सनराइज इंडस्ट्री एक सनसेट इंडस्ट्री, क्या डिफरेंस है दोनों में? तो डिफरेंस ऐसा होता है अकॉर्डिंग टू 2011 चलते हैं, 11 में क्या होता है, जो चीज जो भी वैसी कंपनी जो कंट्री को, कंट्री के इकोनॉमी को ग्रोथ करे, खुद भी ग्रोथ हो साथ साथ कंट्री को भी ग्रोथ करे, तो वो चीज जो होता है वो कंपल्सरी हो एटलीस्ट, और हाई पोटेंशियल रखता है वो, ग्रोथ ऐसा नहीं होना चाहिए छोटा मोटा ग्रोथ है तो चलेगा, लेकिन ग्रोथ काफी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल में अगर इंडिया से बैंकिंग सिस्टम हटा दिया जाए तो क्या होगा, इकोनॉमिक काफी गिर जाएगा। तो वैसे चीज में अगर हो जाए जैसे LP जो हटा दिया जाए, या फिर केमिकल जो इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल भी है ही इसमें, रबर एंड गोल्ड, तो ये सारे इंडस्ट्री को अगर हटा देते हैं, राइट, तो ये इंडस्ट्री क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, इकोनॉमी पर काफी ह्यूज इफेक्ट करेगा। तो वैसे इंडस्ट्री जो अगर उसके ना रहने से आज है, सडनली अगर उसके ना रहने से हट जाए तो वो होता है सनराइज इंडस्ट्री। राइज मतलब क्या होता है, उगना, यानी कि और बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है, और सेट हो गया जो पहले था, पहले काफी इंपॉर्टेंट था उसका, लेकिन आज उतना नहीं है, तो उस तरह के इंडस्ट्री को हम लोग सनसेट इंडस्ट्री में डालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्रीकल्चर मार्केट इज कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिश बाय द, अब सबको लगता होगा कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ना हम लोग को बताता होगा एग्रीकल्चर के बारे में लेटेस्ट जो भी डाटा आया, या फिर पब्लिकेशन की, या न्यूज पेपर में, या फिर आपके सोशल मीडिया पर, लेकिन ये काम FCI का नहीं है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नहीं, ये काम है डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिक। ये बेसिकली ये आपको पूरे फार्मर को या फिर किसी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी वर्क हो तो ये बेसिकली बताएगा, ये एक डिपार्टमेंट ही रख गया है इसको ग्रोथ करने के लिए होता है, और थर्ड है रिसर्च फील्ड के लिए, वो रिसर्च फील्ड ये अलग हो गया, और ये भी नेशनल काउंसिल नहीं, वो एग्रीकल्चर रिसर्च होता है, राइट। तो ये तो ऑप्शन ऐसे भी खत्म हो जाएगा, स्टैटिक इंस्टीट्यूशन ये भी ऑप्शन रिलेटेड है पर ये भी नहीं काम करेगा। तो ये डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिक जो है एग्जैक्ट बनता है कि आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी आपको डाटा होगा बस इसके साइट पर जाना है, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। थंडर क्लाउड मतलब जो थंडर, जब कड़कड़ाहट होती है, जब भी मौसम आता है ठंडा मतलब बारिश का, तो जब कड़कड़ाहट होती है तो वो कौन सा लेयर में आता है, तो मैं आपको एक लेयर नहीं बताता हूँ, मैं पूरा एक फैक्ट ही बता देता हूँ एटमोसफेयर लेयर के बारे में। लेकिन सबसे पहले जो बॉटम जो लेयर होता है वो ट्रोपोस्फेयर, तो जितने भी क्लाउड से रिलेटेड जो भी अगर क्वेश्चन सवाल आता है तो वो सारा चीज होगा वो ट्रोपोस्फेयर में ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि जितने भी क्लाउड फंक्शन है, अब थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ इसके, थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि कितनी लेयर होते हैं। तो लेयर जो होता है एटमोसफेयर के लिए ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, लेकिन एक्सोस्फेयर आपको नहीं जाना है, थर्मोस्फेयर तक आप सीमित रखो, राइट। अब किलोमीटर देख लेते हैं, इसका रेंज जो 10 किलोमीटर तक आपका 10 से 50 हो गया स्टेटो, 50 से 80 के या 90 या 100 मान के चलिए, 50 से 100 जो है वो मेसो है, और 100 के ऊपर जो है वो है थर्मोस्फेयर है। क्या क्या इफेक्ट होता है, तो ये जितनी भी क्लाउड होगा, क्लाउड का फंक्शन हो या फिर एरोप्लेन जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में होगा, राइट, और उसका मिसाइल जो होगा वो मेसोस्फीयर में होगा, और थर्मोस्फीयर जो हॉटेस्ट होता है तो वहां पर आयन का प्रेजेंटेशन होता है, तो थर्मोस्फीयर को हम लोग आयनोस्फीयर भी कहते हैं। यहाँ पर जितना भी रेडियो सिग्नल वगैरह है या वेव सिग्नल, तो ये सारा फैक्ट जो होगा इसमें आएगा,
मेसोस्फेयर में एक वैकेंट लेयर हो जाता है। फिर ये भी क्वेश्चन कई बार आया कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज ए लेयर ऑफ द ओजोन स्फेयर। तो ओजोन स्फेयर किसे नाम देते हैं, ये ऑल्सो नॉन एज ओजोन स्फेयर, तो स्ट्रेटोस्फेयर को ही ओजोन स्फेयर कहते हैं, ये जो हमारा जो है ये स्ट्रॉन्ग करता है। तो वास्ट अल्ट्रा वायलेंस रे जो है ये स्टॉप करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। विच ऑफ द रिवर डज नॉट हैव ऑरिजिनेटेड फ्रॉम अमरकंटक। पहले अमरकंटक प्लेटू आप समझ लो कहाँ पर है, तो ये अमरकंटक प्लेटू जो है आप विंध्यान रेंज और सतपुरा रेंज देखोगे उसी के बीच में मध्य प्रदेश में एक छोटा सा हिल है जिसको अमरकंटक हिल कहते हैं। यहाँ से कौन कौन एंड कौन सा स्टेट में, ये एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ से आप बेसिकली दो रिवर जो है, अमरकंटक काफी बड़ा सा हिल है, हिली इलाका है, माउंटेन काफी है, रेनफॉल होता है, तो ऑब्वियसली है रेनफॉल होगा तो रिवर का एक रूप लेगा। और यही रिवर का रूप जो ले रहा है वो कौन कौन सा रिवर है, एक नर्मदा रिवर है, एक तापी रिवर है। सो दोनों रिवर, तापी तो बेसिकली है ये है, और ये दोनों रिवर जो है ये किस तरफ से जाती है, ईस्ट टू वेस्ट की ओर मूव करते हैं। बाकी जितने भी रिवर है, पेनिसुला रिवर जितने भी है, वो वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करते हैं। बाकी ये दोनों एक्सेप्शन में आते हैं। और साथ ही साथ इसमें ऑप्शन देख लो, नर्मदा, तावा और सोन, ये तीनों चीज, तो दो इंपॉर्टेंट नदियां जो है अमरकंटक से, सोन एंड नर्मदा जो है डायरेक्ट अमरकंटक से है, और तावा भी है लेकिन छोटा है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी तरह से ट्रिब्यूटरी का काम करेगा। नेक्स्ट देखते हैं अल मौदी, ये काफी पॉपुलर नेम है, ये एक राइटर थे, एक टूरिज्म कर सकते हो, ज्योग्राफिकल कर सकते हैं, हिस्टोरिकल हिस्टोरियन कर सकते हैं, तो ये काफी विजिटेड हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस जब हम लोग मेडिवल से एशियंट में, सॉरी एंशियंट से मेडिवल में एंट्री लेते हैं तो इनका एंट्री हो जाता है बीच में, और इनका जो एंट्री हो रहा है ये काफी एंट्री इम्पोर्टेंट पड़ जाता है क्योंकि इनके बुक से काफी कुछ नॉलेज मिलता है, राइट। इनका तीन बुक लिखा गया है, तीनों बुक को आपको याद रखना होगा। और ये किसके रीजन में आए थे, द किंग ऑफ, कोई तो किंग होगा राइट, तो उस समय बांग्लादेश का किंग कौन थे, तो वो थे महीपाल, महीपाल किंग थे। अब बुक देख लेते हैं इनके बारे में कि कौन कौन सा फेमस बुक है, और ये सारा बुक आपको याद रखना होगा। मुराज अल, सॉरी यस, मुराज अल जमीन, किताब अल अवसत, किताब अल तनवीर, ये वाला फेमस बुक है, किताब अल अवध, ये एक दो बार क्वेश्चन भी पूछ दिया गया है शायद, मे बी SSC में, SSC में पूछा हो। ये वाला बुक काफी फेमस है क्योंकि इनमें काफी डिटेल मिलता है, राइट, इंडियन के बारे में, इंडिया खासकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया के बारे में, लाहौर हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये सारे चीज। विच ऑफ द फ्लाइंग लीडर फाउंडर ऑफ इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है इसके फाउंडर कौन थे। इंडियन होम रूल और होम रूल सोसाइटी दोनों अलग अलग है। इंडियन होम रूल अगर बोलते हैं, बोला जाता है, तो इनके थे श्याम जी कृष्ण वर्मा, सॉरी श्याम जी कृष्ण वर्मा, 1905 में इनका ये हुआ था। इसके साथ साथ जो है लाला लाजपत राय भी ये इंडियन होम रूल से रिलेटेड है, तो एनी बेसन जो है वो होम रूल से है, बाल गंगाधर तिलक भी रिलेटेड है। तो कई बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि होम रूल सोसाइटी से कौन सा है, तो इंडियन जब भी लगा दिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इंडियन में श्याम जी कृष्णा वर्मन डे फाउंडर थे। द फेमस पेंटर लास्ट जजमेंट, ये किसने लिखा है, मतलब किसने बनाया है, फेमस वर्ल्ड के फेमस पेंटर है, वन ऑफ द, ये मैच लेंग गेलो ने बनाया, मैच लेंग गेलो ये फ्रांस का पेंटर है और काफी फेमस है वर्ल्ड का, वन ऑफ द, इनका जो पेंटर का नाम है, जो पेंटिंग का नाम है वो लास्ट जजमेंट। सो मिथिला रीजन में कौन सा पेंटिंग किया जाता है, तो मिथिला जो बिहार का एक मिथिला रीजन है, जो मधुबनी के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जो है, मधुबनी पेंटिंग एंड मधुबनी डिस्ट्रिक्ट दोनों आता है, नियरेस्ट टू नेपाल, बॉर्डर शेयर करता है, तो ये दोनों चीज जो है मिलता जुलता है, मिथिला मिथिला हो गया, मिथिलांचल नहीं, मिथिला है एंड मधुबनी, ये सारा चीज इफेक्ट होगा। अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है इंडिया का, तो पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ साथ आप ये भी याद रखो कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है 382 है, ग्रोथ रेट हमारा 1.12 है, अप्रोक्सीमेटली 2 भी याद रखोगे तब भी कम ज्यादा
अकॉर्डिंग 2018, अगर सेंसस 2021 बोले तो उस समय हमारा पॉपुलेशन 1.22 करोड़ था, लेकिन अगर 2018 है, लेकिन बेसिकली जितना भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा वो सेंसस 2011 से पूछा जाएगा ये, लेकिन लेकिन मैंने लेटेस्ट डाटा डाल रखा है वो 130 के लगभग, 130 के लगभग करोड़ के पॉपुलेशन इंडिया का, और बर्थ रेट जो है वो 20 का एवरेज लेके चलना है। अब बर्थ रेट हमेशा कैलकुलेट होता है 1000 पॉपुलेशन पर, यानी कि 1000 महिलाओं ने कितनी बर्थ दिया, और वो बर्थ जो होना चाहिए वो कंपेयर किया जाएगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट का बर्थ रेट अलग अलग हो सकता है, तो बिहार का सबसे बर्थ रेट है इंडिया में अगर कंपेयर किया जाए तो। सेंसस का एक पूरा मैं वीडियो डाल दूंगा बिहार वगैरह, बेसिकली इसका इसी सीरीज में आप तो जब बिहार एज ग्लेंस या बिहार फैक्ट के बारे में देखोगे, मैं ऑलरेडी वीडियो में बना दिया, उसमें बिहार सेंसस के बारे में और बिहार इंडियन इंडियन सेंसस का दोनों एक सिमिलर फैक्ट लेके चला गया है उसमें, उस वीडियो में देख सकते हो। विच ऑफ द नेशनल फ्रूट ऑफ बांग्लादेश, इंडिया का जैसे होता है इंडिया का, फिर स्टेट का होता है, स्टेट में भी काफी सारा डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट माया जाते हैं, उसी तरह बांग्लादेश का अगर फेमस फ्रूट अगर बोला जाए या नेशनल फ्रूट बोला जाए या ह्यूज अमाउंट में जो फ्रूट उगाया जाता है ये है जैक फ्रूट, इस तरह का जैक फ्रूट दिखता है, राइट, जैक फ्रूट। विच ऑफ द फ्लाइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा है, तो एलिमेंट तो सबको जानता प्योर है, कंपोनेंट भी तो प्योर ही है, अब वाटर है, वाटर कहते हैं अलग कर दोगे वो भी तो प्योर ही होता है ना, तो दोनों ही प्योर सब्सटेंस होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेट के द्वारा भी डिफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर इधर उधर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, तो चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब भी वो डिफ्लेक्ट होगा, मतलब एक जैसा जो मूव करेगा, अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रहता तो मैग्नेटिक फील्ड का कभी भी रोल नहीं होता, तो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से हम तो देखते हैं कि वो एक्ट करता है इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड में एक्ट करता तो कभी फैन जो है नहीं चल पाता, मोटर है वो भी काम नहीं कर पाता, सो डायरेक्टली इफेक्टेड है, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी इफेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। ओमनी लेयर, ये सेमली थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया लेकिन सेम ही है, उसमें डायरेक्ट थ्री गवर्नमेंट बता दिया था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ गवर्नमेंट हो गया, सेम ही है। विद द हेल्प ऑफ पंचायती समिति हु इज द मनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राम पंचायत, तो कौन सा पंचायत समिति में ग्राम पंचायत को मनी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी किसी भी गांव में या किसी भी ग्राम पंचायत में, तो उसके हेड कौन करता है, जिला परिषद, अगर जिला परिषद में जिला परिषद चाहेगा कि इस गांव को इतना मनी देना है, वो गवर्नमेंट से तो आ गया जिला परिषद की बात, लेकिन उसके हक में है वो कितने किसको क्या दे सकता है, किसमें फंड राइज कर सकता है, वो डिपेंडेड ऑन द जिला परिषद, तो वहां का DIG जो होगा वो डिसाइड करेगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कि आपको इतना पैसा इसको देना है, इतना पैसा उसको देना है, तो आप DM के लिए आप तैयारी करो तो एटलीस्ट आपको ये सारा चीज इफेक्ट होना चाहिए, या फिर आप पुलिस के लाइन में भी हो तो भी ये इफेक्ट हो, इतना तो बेसिक चीज तो पता ही होना चाहिए। सो विच ऑफ द फ्लोइंग अमाउंट इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब होता है जनरेशन, एक जनरेशन को दूसरे जनरेशन में करना, तो रीजनरेशन और रिप्रोडक्शन दोनों डिफरेंट चीज है, दोनों सेम चीज नहीं है। रिप्रोडक्शन मतलब होता है बेबी को जन्म लेना या एक सेल दूसरे सेल को प्रोड्यूस कर सकता है, राइट, लेकिन रीजनरेशन वैसे ही चीज होता है कि आपस में ही खुद का ही जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल में जोक को अगर हम बीच बीच में से काट देते हैं तो वो रीजनरेट हो जाता है, वो डाई नहीं करेगा, वो खुद को ही अपना होगा। पर रीजनरेशन का एज ए प्लांट में देखते हैं तो अगर प्लांट को हम बीच में से काट देते हैं तो वो फिर से रीग्रोथ होगा, तो उसको रीजनरेशन करते हैं। और रिप्रोडक्शन मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, एक एनिमल से दूसरे एनिमल में प्रोड्यूस होता है, तो ये सारा जैसे ब्रीडिंग हो गया, वेजिटेबल प्रोग्रेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, तो ये सारा चीज होगा रिप्रोडक्शन का टाइप है, राइट। विच प्रोसेस द सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेक ए प्रोस परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन, तो ये डिफरेंटियल होता है, ये टिश्यू का नाम है, काफी सारा प्लांट वगैरह जो होता है प्लांट में, आप इसका टाइप हमेशा याद रखना कि इसका नोड किसको कहते हैं, इंटरक्लेकियल किसको कहते हैं, लेटर मेरिस्टेम, मेरिस्टेम काफी सारा बात आता है, मेरिस्टेम ऐसा चीज होता है कि आप प्लांट का एज बता सकते हो बिना उसको देखे हुए, राइट, बिना आप कोई भी आपको प्लांट को पूछ दिया जाए, तो ये एक सेल बनाता है हर साल, एक सर्किल क्रिएट करता है, तो जितना सर्किल वो क्रिएट करेगा उतना उसका एज होगा, 50 सर्किल है तो वो 50 साल पुराना पेड़ है, इसका मतलब ये। सो फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे, जो UN हमारा जो नेशनल जनरल असेंबली है उन्होंने ये तय किया कि इस 24 जनवरी को इस बार के लिए कि हम एक एज ए इंटरनेशनल एडुकेशन डे के रूप में मनाया जाए, तो
यूएन जनरल असेंबली ने 24 जनवरी 2019 को भी, एज वेल एज मे बी हो सकता है 2018 का भी हो, लेकिन 2019 में तो एडुकेशन को ही डिसाइड किया गया राइट ये डिसाइड किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ एडुकेशन 24 जनवरी. एबिलिटी में भी साइड विच इज द फर्स्ट ड्रग इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका टू बी अप्रूव्ड बाय द फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्टर विच ऑफ द सिस्टम हैज बी डायरेक्टेड. तो यूएन हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी आगे रहा है राइट. तो अब का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें अब ऐसा एक क्रिएशन किया गया, मान के चलो आई एम ए पेशेंट राइट, मैं एक पेशेंट हूँ किसी बीमारी से हूँ, उसका एक दवा अवेलेबल है राइट. एक मैंने ऐप ट्राई किया, ऐप जो है वो प्ले स्टोर से जा करके माई साइट जो है नाम का ऐप अवेलेबल है वो इंस्टॉल किया हुआ है, मेरा डॉक्टर उसमें रिकमेंडेड किया हुआ है. अब वो क्या होगा, वो ट्रैक करेगा मुझे कि मेरा डोज जो है 20 दिन का दवा है, इतना दिन में इतना अवेलेबल होना चाहिए. अब वो मुझे एग्जैक्ट जो है वो ट्रैक कर करके मेरा होम पर ही वो सिस्टम जो है अवेलेबल करा देगा, जो जिस तरह का है या फिर हम किसी भी प्लेस में हो राइट, यहाँ पर नहीं हो तो वो नियरेस्ट जो वहाँ का हॉस्पिटल होगा या वहाँ का मेडिसिन होगा शॉप, तो वो सारा चीज होगा वो हम इस ऐप के थ्रू इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड कर करके वो वहां पर फैसिलिटी अवेलेबल करवा देगा. तो यूएस से अमेरिका ने ये हाल ही में किस पर किस किस पेशेंट के लिए, जो माय साइड जो पेशेंट है उसके लिए हिमसागर वैरायटी ऑफ मैंगो इस कहाँ पर अवेलेबल होता है. तो मैंगो का काफी सारा वैरायटी है, उसमें से एक हिमसागर वैरायटी है. तो वो किस बेसिकली किस स्टेट में उगाया जाता है, तो वो वेस्ट बंगाल के उगाया जाता है हिमसागर. और हिमाचल प्रदेश में अगर बोला जाए, जैसे वेस्ट बंगाल में हिमसागर, तो सेम टू सेम ये सिमिलर क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, तो चौंसा जो है मैंगो जो है ये हिमाचल प्रदेश के लिए है राइट. तो हिमाचल प्रदेश आपने क्लियर कर लिया और वेस्ट बंगाल क्लियर कर लिया, तो ये दो इम्पोर्टेंट जो है वो मैंगो की वैरायटी है, डिफरेंट डिफरेंट मैंगो का नाम दे दिया गया कि हिमाचल प्रदेश का मैंगो का नाम ये रहेगा, वेस्ट बंगाल का मैंगो का नाम ये रहेगा. सोनार सिस्टम क्या होता है, सोनार सिस्टम बेसिकली जो है सी को डिप जो कितना गहरा है सी, वो हम लोग एक वेव के जरिए से कैलकुलेट किया जा सकता है राइट. तो इसमें आपको कैलकुलेट क्या करना है, अगर स्पीड जो है वेव का 1500 मीटर पर सेकेंड है और उस वो वापस जो है वो ग्राउंड से टकरा करके या सी का जो बेल्ट होगा उससे टकरा करके वापस जो है 5 सेकंड में वापस आ जाता है, तो उसका इसी से आपको कैलकुलेट पता चल जाएगा कि उस ओशियन का डेप्थ कितना है राइट. तो ये 3705, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में तो ट्रेवल कर लेता है लेकिन जैसे सॉलिड कोई फॉर्म आता है डी ऑफ, तो ये वापस आ जाता है और वो इंडिकेशन जो है वो इंस्ट्रूमेंट को वो बात इंडिकेट कर देता है कि कितने सेकंड में आएगा. तो जितना सेकंड लेट होगा उस हिसाब से उसका डेप्थ जो है वो बढ़ते जाएगा. साउंड इज ए साउंड एक एनर्जी फॉर्म है. ये डायरेक्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि बायोटिक मतलब लिविंग थिंग कहाँ रहता है राइट. तो ये तीनों जो है एटमोस्फेयर अभी हम लोग देखें और ये जो है बायोस्फेयर वहीं पर रहेगा. बायोस्फेयर मतलब बायो मतलब होता है लिविंग, स्फेयर मतलब होता है प्लेस, तो अब लिविंग थिंग वहीं पर रहेगा सर्वाइव करेगा. द प्रोग्राम कंप्यूटर दैट कनेक्ट टू रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फॉर द सर्वर, वैसा चीज वैसा प्रोग्राम जो है कंप्यूटर इंटरनेट या मोबाइल जो भी है मोबाइल कंप्यूटर इंटरनेट एंड सर्वर को कनेक्ट करने वाले चीज को हम लोग क्लाइंट के नाम से जानते हैं. ये हो गया क्लाइंट. HTML, HTML एक फाइल होता है बेसिकली वेब फाइल होता है, इसका कोडेट काफी सारा है, उसमें से एक रो का कोड जो है TRTR होता है. द ग्रोइंग कंट्रीज वन विच, अब किस कंट्री को आप ग्रोइंग कंट्री कहोगे, जिसका GDP हाई हो रहा है, नहीं, GDP अगर हाई हो रहा है तो वो सिर्फ एक जैसा होगा, वो डोमेस्टिक हो गया, लेकिन हम लोग वैसे कंट्री को ग्रो करेंगे जिसका एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, इम्पोर्ट कम हो रहा है. लाइक ए चाइना अभी ग्रो कर रहा है, वो कॉन्स्टेंटली प्राइस से ग्रो कर रहा है, तो उस इंडिया भी है पर उस लेवल पर नहीं है अभी. तो राइजिंग GNP एंड कॉस्ट एंड प्राइस उसको हम लोग कहते हैं ग्रोइंग कंट्री. अब क्या डिफरेंस है GNP और GDP में, क्या डिफरेंस है आपको थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ. GDP और GNP क्या होता है, GDP होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब हो गया जो भी चीज प्रोडक्शन हो, प्रोडक्ट आ रहा है ना, तो प्रोडक्शन जो भी चीज हो किस चीज का, यानी कि इंडिया में जो भी चीज का प्रोडक्शन हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, कोई भी रॉ मटेरियल हो, तो अगर वो प्रोडक्शन होता है राइट, प्रोडक्शन होने के बाद मशीन में आता है, मशीन में आने के बाद मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद वो वापस में सेल होता है, तो जितना सेल हो गया तो ये जितना भी प्रोडक्शन होगा उतना ही सेल होगा राइट. 10 गो हम प्रोडक्शन किसी चीज का करते हैं तो उतना ही सेल भी होगा हमारा.
तो चाहे आप प्रोडक्शन देख लें चाहे तो सेल देख लें, तो जीडीपी आपको प्रोडक्शन देख सकते हैं या नंबर ऑफ सेल देख सकते हैं, दोनों तरीके आप समझो। तो जीडीपी जो हो गया, तो जितना हमारा प्रोडक्ट हुआ, जैसे 10 kg ऑफ गेहूं हो गया इंडिया में उगाया गया, 10 kg राइस हुआ, 10 kg और भी चीज हो गया, तो ये सारा चीज का कैलकुलेट करके कितना प्रोडक्शन हुआ वो सारा चीज कैलकुलेट करके एक जगह डाटा इकट्ठा किया जाता है और कंपेयर किया जाता है पिछले साल से कितना हुआ। तो पिछले साल से जितना परसेंट आगे होगा तो उसी को हम लोग जीडीपी कर दिए। जैसे पिछले साल अगर 20 kg हुआ, इस बार हम 30 kg लाते हैं, तो दोनों का डिफरेंस कितना 10 का हो गया। लेकिन अगर परसेंटेज में अगर देखें तो परसेंटेज में 10 का तो डिफरेंट नहीं होगा, तो वो परसेंटेज ही हो जो है हमारा जीडीपी होता है। जैसे 7% का जीडीपी चल रहा है इंडिया का, इसका मतलब ये हो गया कि उससे पिछले बार से 7% प्रोडक्शन ज्यादा हो गया है। और जीएनपी का मतलब सिंपल होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसका मतलब हो गया कि जीडीपी तो आप इंक्लूड करोगे ही, पर फैक्टर देखोगे अब्रॉड में इनकम आउटकम कितना हो रहा है। मतलब 10 सामान हमारा इनकम आ रहा है, 20 सामान और हमारा जा रहा है, तो हम एक्सपोर्टर कंट्री कहलाएंगे। एक्सपोर्टर अगर कंट्री कहलाते हैं तो हमारा जीडीपी जीएनपी हमारा ग्रो होगा। अगर यही हमारा निगेटिव फैक्ट हो गया तो हमेशा हमेशा हम लोग निगेटिव में ही रहते हैं, इम्पोर्टर कंट्री में रहते हैं, राइट। इसलिए ज्यादा से चाइना से प्रोडक्ट काफी आता है हमारे इंडिया में, तो जीएनपी जो होता है इससे डाउन हो जाता है, तो जीएनपी मेन इफेक्ट करेगा। तो जीएनपी अगर हमारा सही हो गया तो हम लोग कहेंगे कि कंट्री जो है वो प्रॉपर ढंग से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली जो है जीएनपी जो है, और जीएनपी का सेकंड अगर थोड़ा सा व्यू अगर चेंज करके देखते हैं, तो जीएनपी का मतलब ये हो गया कि आप खुद पर डिपेंडेड हो, राइट। जीएनपी का सिंपल सा मतलब है कि इंपोर्ट कम कर रहे हो, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, प्रोड्यूस खुद ही कर रहे हो। लैपटॉप चाहिए उससे बना लो, एरोप्लेन चाहिए उससे बना लो, फैक्ट्री चाहिए उससे बना लो, ये सारा चीज जो है इंडिया में ही अगर प्रोड्यूस होगा हम बाहर का माल क्यों लेंगे, इंडिया के पास अवेलेबल नहीं है, तब जाकर के लोग बाहर का चीज खरीदना चाहते हैं। तो इससे जीएनपी का काफी पड़ता है इफेक्ट। पर कैपिटल इनकम ऑफ 20 rupees इन 1865-68 एक्वायर्ड द फर्स्ट टाइम बाई, तो ये क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया गया। बेसिकली ये पूछा है कि किसने बताया था कि हमारे इकोनॉमी जो है वो डाउन चल रहा है, राइट। तो दादा भाई नौरोजी ने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताया था। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है कि जो ब्रिटिश हमारे देश में आए हुए हैं, दादा भाई नौरोजी में लंदन में रह करके उन्होंने बताया था, ये इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने बताया था कि हमारा जो पैसा जो है वो कैसे ड्रेन हो करके इंग्लैंड पहुंच रहा है, राइट। पूरा पैसा जो है रॉ मटेरियल पूरा जो है कैसे कैसे वो ड्रेन कर करके वो इंग्लैंड में पहुंच रहा है, तो ये पहले पर्सन थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू संगम स्टेट, संगम स्टेट 3 चीज को कहते हैं, चोला चेरा एंड पांड्या, राइट, तीनों स्टेट को कहते हैं। तो इसमें से कौन नहीं है ये पूछ रहा है, तो निदौन जो है वो इन तीनों स्टेट से बाहर था। Which of the following state not included in the empire of Akbar? Akbar के टाइम पर कौन सा एरिया एक्वायर नहीं किया गया था, यानी कि उसको कब्जा नहीं किया गया था अकबर के द्वारा। तो काफी सारे एरिया है, एक दो एरिया नहीं है, लेकिन ये सब सारे एरिया जो है, बीजापुर जो है, ये देखिए यहाँ पर बीजापुर है, गोवा के पास में बीजापुर, बीजापुर हो गया, हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, तो साउथ डेक्कन में वाला पूरा पार्ट जो है वो अकबर के द्वारा नहीं कैप्चर किया गया था। लेकिन यही मैप जो है वो चेंज होगा जब औरंगजेब आएगा, सॉरी ये लास्ट मुगल जो है औरंगजेब, यस राइट, औरंगजेब जब आएगा तो औरंगजेब के टाइम पर क्या होगा, वो पूरा का पूरा मैप जो है ये और मैप जो है और एरिया एक्वायर कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, लास्ट जो मुगल है हमारे। तो अकबर के टाइम पर ये बीजापुर वगैरह नहीं था, लेकिन औरंगजेब आएगा तब एक्वायर कर लिया जाएगा, मैसूर वगैरह तक फैल जाएगा पूरा। तो ये 1605 का बताया, 1707 के टाइम के कैप्चर करेंगे। तो विच अमॉन्ग द मॉथ डज नॉट अर्थ प्रीहेवन अकर्स, तो नहीं है, तो बेसिकली है कौन ये आपको पता हो तो नहीं हो, नहीं है पूछा तो ऑब्वियसली पता हो जाएगा। तो प्रीहेलियन जो कहते हैं वो जनवरी को, एप्लिन लन जो है जुलाई को कहते हैं। याद करने का तरीका है आपको, लाइन याद रखो, लाइन क्या पहले और ए प्रीलियन बाद का, राइट। तो डायरेक्ट 6 मंथ का गैप है, तो जनवरी से जुलाई और जुलाई से फिर दिसंबर होता है, तो इसके बीच वाला जो होगा वो कौन सा होगा, ये नहीं होगा, राइट। तो बीच वाला देख लीजिए कौन सा नहीं। मैकमोहन लाइन, ये तो काफी इजी क्वेश्चन पूछ दिया है। लाइन जो है मैकमोहन लाइन जो है किस तरह से का किया गया है, तो आप इंडिया चाइना का लाइन, इंडिया पाकिस्तान का लाइन, इंडिया बांग्लादेश का लाइन, इंडिया नेपाल का लाइन, इंडिया भूटान का लाइन, इंडिया म्यांमार का लाइन, ये सारा लाइन पता होना चाहिए। बेसिकली ये काफी इजी क्वेश्चन है, तो इतना भी कभी काल पूछ सकते हैं। तो मैकमोहन लाइन जो है ये अरुणाचल प्रदेश है, एक ऑप्शन दिया होता है अरुणाचल प्रदेश, तो मैकमोहन लाइन इंडिया एंड चाइना के बीच में है।
हु वॉज द गुरु ऑफ म्यूजिक मेस्ट्रो तानसेन, म्यूजिक के तानसेन, तानसेन मेस्ट्रो में कौन से हैं? तो हरिदास हैं। तानसेन तो खुद नहीं तानसेन है अपना, लेकिन मेस्ट्रो में जो है हरिदास ने। विच कलेक्ट ऑफ ऑल पोजिशन कम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट कैन बी प्रोड्यूस फॉर द गिवेन अमाउंट ऑफ रिसोर्स एंड द गिवेन स्टॉक ऑफ टेक्नोलॉजी इज नोन एज डायरेक्ट। ये इसका डिफिनेशन दिया हुआ है और इसका ये डायरेक्ट पूछ दिया कि इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द पोजिशन ऑफ कम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि गुड्स एंड सर्विस जो है जीडीपी जो है उसका जितना भी कम्बिनेशन है उसका प्रोडक्ट का जो है अमाउंट उसको हम लोग प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी सेट करते हैं। इफ द प्राइस मार्केट सप्लाई इज ग्रेटर देन द मार्केट डिमांड, यानी प्राइस मार्केट में ज्यादा सप्लाई हो रहा है लेकिन मार्केट में कम डिमांड है, उसको एक्सेस सप्लाई के अंदर डालते हैं। म्यांमार इस साउथ ईस्ट एशिया, पहले आप जान लो कि साउथ ईस्ट एशिया है क्या, ये पूरी एशिया जो है इंडिया के इस साइड, इसलिए इसको ईस्ट बोला गया। साउथ अगर वेस्ट साइड होता तो साउथ वेस्ट बोलते हैं, लेकिन ये इंडिया का इस साइड है क्योंकि इंडिया को हम लोग साउथर्न एशिया कहते हैं, और इंडिया पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये साउथर्न एशिया में आते हैं। साउथर्न ईस्ट एशिया में जो होगा इसके बाद वाला होगा बर्मा, यानी म्यांमार, ये सब लियोस, वियतनाम, कोम्बोडिया, तमिलनाडु, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और ब्रुनाई, फिलीपींस, इस तरफ से पापुआ न्यू गिनी के आगे वाला जो है, ये सारा चीज साउथ ईस्ट एशिया में कहलाते हैं। अब पूछ क्या रहा है कि म्यांमार जो है किमा लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के अकॉर्डिंग, तो म्यांमार बर्मा को कहते हैं, ये वाला है, ये किमा पोजिशन है इसी सब में से, राइट, इसी में सेकंड है। तो फर्स्ट कौन? तो फर्स्ट है हमारा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया एरिया में सबसे बड़ा है ये पूरा, बेसिकली 3000 अप्रोक्सिमेट 3000 के आसपास जो है आइसलैंड है। तो पूरे आइसलैंड, ये एक जगह पर नहीं बसा हुआ, ये पूरा ये आइसलैंड देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइसलैंड का नाम भी रखा गया। सिंथेटिक फाइबर किसको कहते हैं और इसका प्रॉपर्टी क्या है? तो सिंथेटिक फाइबर जो है फर्स्ट ऑप्शन है कि मेल्ट हो जाता है फायर के पास, ऑब्वियसली है कि ये मेल्ट हो जाएगा। ड्यूरेबल होता है, राइट, बहुत लंबे समय तक चलते हैं। परसेंट बाय नंबर ऑफ प्रोसेस ऑफ पेट्रो, और ये जो सिंथेसिस फाइबर जो है वो लैब में बनाया जाता है पेट्रोकेमिकल की मदद से। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। और ये कैसा दिखता है ये वाला जो सिंथेसिस फाइबर जो है, तो सी आपने देखा होगा अक्सर घरों में, तो इस तरह का ये होता है। यही नहीं है, इसके अलावा और भी है। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कोल, तो कोल से सारा है, कोक भी बनता है, कोल टायर भी बनता है, कोल गैस भी बनता है, तो कोल से सारा प्रोड्यूस किया जाता है। अब बोल रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जैसे आपको फंडामेंटल राइट मिला है, राइट, आप जानते हो फंडामेंटल राइट थर्ड में दिया हुआ है, पार्ट थर्ड में, तो अगर उस पार्ट थर्ड का कोई भी नागरिक जो है उसको हक नहीं मिलता है, क्योंकि ये हक है आपका, राइट, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप किसके अकॉर्डिंग जो है कोर्ट में जाओगे? तो ये फंडामेंटल राइट में ही लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 32। आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ठटका सकते हो जब आपको फंडामेंटल राइट ना मिलेगा। और साथ ही साथ अगर सुप्रीम कोर्ट ज्यादा दूर है तो आप नियरेस्ट हाई कोर्ट में जा सकते हो, अपील कर सकते हो कि आपका फंडामेंटल राइट का वायलेंस हो रहा है। और उस वो जो आर्टिकल है वो 226 है, दो ये, और इन दोनों को कंस्टिट्यूशन रेमेडीज कहते हैं, और इसमें 5 तरह का वरिष्ठ है। हाउ मेनी डेज ड्यूरेशन ऑफ म्यूनसिपालिटी आर इलेक्टेड, कितने साल के लिए म्यूनसिपालिटी का एज पीरियड होता है? तो म्यूनसिपालिटी जो है 5 साल के लिए मनाया जाता है। विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक दैट टेक ए होल फूड मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इन द साइड, मतलब खाना खाए, अपने खाने को पचाए, राइट, शरीर में, तो वो कौन सा नहीं है? तो फीस जो है वो भी खाती है, स्नेक जो है वो भी खाता है, लिजर्ड भी वो भी खाता है, लेकिन मशरूम जो है वो किसी दूसरे पर डिपेंड होता है, राइट। मशरूम आप देखोगे कि सड़े गले जो प्लांट होता है उस पर वो होता है, तो वो खुद से खाना वगैरह प्रोड्यूस नहीं करता है, वो किसी दूसरे पर डिपेंड होता है, जो सड़े हुआ होता है उस पर डिपेंड होता है बेसिकली। हाउ मेनी वर्जन ऑफ इच ट्रेंड्स विच इज इच हैज अ पर्सन फॉर द इनहेरियंस ऑफ द ट्रेड, तो इनहेरियंस का मतलब क्या होता है ये समझो आप सबसे पहले। इनहेरियंस का मतलब होता है कि आप में कुछ डिफेक्ट है, राइट, जैसे आप देखे होंगे जब बच्चा किसी किसी का जन्म लेता है तो वो देखने में कभी उसका काम नहीं सही है, किसी का ब्रेन छोटा है, किसी का हाथ छोटा है, या किसी का आंख में प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये सारा इनहेरियंस के इफेक्ट होता है। तो मेंडल जो कंट्रीब्यूशन है उन्होंने सबसे पहले इनहेरियंस जो पता लगाया था वो पी पर, इन्होंने पी जो मटर होता है उसके दानों को लेकर के, काफी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ दानों को लेकर के वो बनाया था। तो काफी सारा इन्होंने एक्सपीरियंस किया, थाउजेंड ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस करने के बाद इन फाइनली रिजल्ट आया कि ये जो प्लांटेशन है, ये जो कभी छोटा है कभी बड़ा है, ग्रीन है व्हाइट है, तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट में, तो इसका जो एज ए ह्यूमन में स्पर्म होता है तो इसमें एक
फिल पाया जाता है उस वैरायटी को लेकर के, डिफरेंट डिफरेंट ऑफ कम्बिनेशन करके के एक नया सा पौधा किया गया। सो हमारा क्वेश्चन था कि कितनी है, तो जाहिर सी बात है मेल एक फीमेल होगा राइट, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या फिर कोई भी हो वर्ल्ड का, वो दो ये तरीके से वो करते हैं, तो नंबर ऑफ टू हो जाएगा इसमें भी। इन विच ईयर वॉज इंडिया एना ड्रेविड मुंडेल अंगम यानी AIADMK पार्टी जो है वो फाउंड हुआ है। पहले सबसे पहले आप पार्टी समझो कि ये पार्टी किस चीज का है। ये तमिलनाडु पार्टी है और ये जो पार्टी है वो इसका मिक्स, जो मैंने अपने जयललिता के बारे में सुना होगा तो वो जयललिता इसी पार्टी से है। ये पूछा है कब हुआ था, कब फॉर्मेशन हुआ था, ये किस दिन है और किसने बनाया। तो वहां के एक काफी जाने माने MGR जो है, MG रामाचंद्रन, ये काफी बड़ी पॉलिटिशियन है राइट। और इनका जब दबा उस टाइम का जब था 1972 में ये पार्टी इनके द्वारा किया गया था और ये काफी बड़े पैमाने पर और इनका काफी सपोर्ट मिला लोगों के द्वारा। विच ऑफ द फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल टू सॉफ हिस्ट गार्ड पोर्टलीज। सो सिंपली देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया लेकिन आपको सिंपली पूछ रहा है कि सबको राइट इक्वली मिले वो कौन सा राइट है। इक्वलिटी, सबको इक्वल राइट कब मिलेगा, सिंपल सा इसका रिलेटेड टू नाम है इक्वलिटी, इसमें कुछ लगाना ही नहीं है दिमाग। हाउ मेनी डेज हैज गांधी जी ईयर असाल्ट सत्याग्रह वॉक, लाइक कितने दिनों तक असाल्ट सत्याग्रह। तो इसमें दो तीन फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। पहले नंबर ऑफ डे जो है 24 का, तो 24 डे होता है ना, अब 24 आवर याद रख लो कि 2400 घंटे तक वो लगातार चल करके कहां से दांडी टू साबरमती टू दांडी पहुंचे थे राइट। और 24 अगर डे भी याद रहे तो इससे पता हो जाएगा ईयर, तो आपको कंफर्म है 1930, आई होप सो कि सबको पता होगा। 12 मार्च से 6 दिनों की क्या होता है, 12, एक मंथ का गैप होगा। 24 24 डे कितनी का होता है, मैक्सिमम 1 मंथ होता है, 30 डेज का, तो एक मंथ के अंदर में ही काम कर रहा है, तो 1 मार्च ही होगा। और डांडी मार्च इसका नाम है तो आपको मंथ भी याद नहीं रखना है, मार्च इसीलिए रखा गया है। मार्च बेसिकली वो मार्च नहीं होता लेकिन फैक्ट उसी समय हो गया, मार्च मतलब होता है सतगियर एक तरह से, लेकिन उसी समय हो गया, उसी मंथ में हो गया, तो आपको मंथ भी याद रखना नहीं है, तो डे आपको याद है, ये ईयर याद है, तो इसमें कुछ याद करने वाला है नहीं, साल्ट कर सारा चीज थोड़ा सा लॉजिक पर बैठा हुआ है। तुम्हारा राजपूत वेयर हैज बी ओरिएंटेड इन 12th सेंचुरी, तो बेसिकली ये 12th सेंचुरी नहीं, 88 के आसपास ही सेंचुरी में था। सो अजमेर के ये है, तो तोमर राजपूत जो है बेसिकली फाउंडर ऑफ दिल्ली है। हम लोग दिल्ली का नाम काफी सुने हैं मेडिवल इंडिया में, मेडिवल हिस्ट्री में, लेकिन कहाँ से फॉर्मेशन हुआ इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। किसने दिल्ली को सबसे पहले वहां पर किया था, तो यही टोमरवन राजपूत जो है सबसे पहले 1736 में कुतुब मीनार के नियरेस्ट एक प्लेस होता है जो अजमेर के आसपास पड़ता है, वहीं पर इन्होंने अपना डेरा बसाया था। और बाद में जो है यहीं पर जो है गौरी के साथ पृथ्वीराज चौहान का जो थर्ड है उनके द्वारा ये अवार्ड लिया गया था। तो आप इसको कनेक्ट करने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि पृथ्वीराज चौहान का तो आपको गौरी के साथ वार्ड जो थर्ड वार्ड हुआ था तो वो तो पता ही होगा, और क्या वार्ड का नाम है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट रहते हैं बॉडी मास, ये सिंपल सा लॉजिक वाला क्वेश्चन पूछ दिया कि अगर आपका 3 kg के रेट से अगर बढ़ रहा है किसी का, अगर 10 से 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर आप जाते हो 5 सेकंड में, तो वो फोर्स का, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स सिंपल है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन है, सिंपल सा लॉजिक लगाना, बेसिक से छोटा सा क्वेश्चन है, इसको कैलकुलेट करके आप बना लीजिए। ये डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिफिनेशन दे दिया है। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है शॉर्टर डिस्टेंस, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी सारा रूट है राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो साकेत से जाने के लिए, अगर दिल्ली में आपको तो साकेत मेट्रो से मेट्रो से दिल्ली जंक्शन अगर पहुंचना है तो उसका काफी सारा रूट है राइट। लेकिन आपको सबसे नियरेस्ट रूट कौन सा अच्छा लगेगा, मेट्रो अवेलेबल है तो आप मेट्रो पर बैठ करके इजिली पहुंच जाओगे, लेकिन अवेलेबल तो और भी रूट है ना, तो सबसे शॉर्टेस्ट रूट जो होगा वही होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। सर्टी था वेदर रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड बाय किस, कौन वेदर रिपोर्ट, एक डिपार्टमेंट होता है राइट, वो वेदर बनाती है कि इसमें बारिश हुआ इतना हुआ, या आने वाला में इंफॉर्मेशन बताएगी कि आने वाले समय में बारिश हो सकता है, ये होता है वेदर रिपोर्ट आता है ना न्यूज में भी, तो वो बेसिकली वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये मेट्रो जैसा लग रहा है लेकिन आप मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये मेट्रो समझ लिए आप रिवर रेन के लिए, क्लाइमेट के लिए, वेदर के लिए राइट। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री, जमा एरिया में इंडिया का पोजीशन है तो 7 पोजीशन, लेकिन आप टॉप
टेन याद रखो, फर्स्ट में रसिया, सेकंड कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, और उसके बाद आता है सुदान, सुदान राइट। तो सुदान अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री है, टॉप 10 में आता है कि, तो ये टॉप 10 याद रखो पूरा, अकॉर्डिंग टू ये काफी एनसीएलटी का भी पोर्शन है, क्लास 9 का होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल एडिट व्यू एडिट, माइक्रोसॉफ्ट पर मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। माइक्रोसॉफ्ट का आपको हर एक लेवल का याद रखना होगा इस तरह से, अगर कंप्यूटर जिसमें भी जिस एग्जाम में पूछता है, माइक्रोसॉफ्ट का आपका बार याद रखना होगा, और हर एक बार में जितना भी उसका मेन्यू होता है, उसका मेन्यू में कौन कौन सा चार्ट होता है वो याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट में और कुछ नहीं पूछता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से जो है आपको यही चीज पूछेगा हमेशा कि इस बार में ये कौन कौन सा चीज है। तो थोड़ा सा आप खुद से भी, आप माइक्रोसॉफ्ट अगर लैपटॉप आपके पास होगा तो, या फिर यूट्यूब पर भी काफी इजिली अवेलेबल हो जाए, में भी हो जाए। व्हाट इज द पॉवर्टी गैप, पॉवर्टी गैप किसको कहते हैं, तो पॉवर्टी गैप जो है पॉवर्टी लाइन और एक्चुअल इनकम ऑफ लेवल, तो समझ, बीपीएल जो फैमिली होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो होता है वो बेसिकली इसको आइडेंटिफाई के लिए होता है कि इसके नीचे हो गया भाई तो आप गरीब हो, इसके ऊपर हो तो थोड़ा सा, तो मिडिल पर्सन हो, उसके ऊपर जो उसके पास आपके पास सैलरी है। तो बेसिकली पॉवर्टी गैप जो है एक लाइन डिसाइड करता है एक्चुअल इनकम के अकॉर्डिंग, कि आपका बिलो पॉवर्टी है या एबव पॉवर्टी है, ये दोनों में डिफाइन करता है। अब बिलो पॉवर्टी हो तो आपको गवर्नमेंट देती है सप्लाई, कि आपको भी जीने का अधिकार है इस कंट्री में हो तो, और हम प्रोवाइड करेंगे काफी सस्ते प्राइस में प्रोवाइड करेंगे। तो काफी सारा गवर्नमेंट के द्वारा भी स्कीम निकाला जाता है। विच 5 ईयर प्लान एडॉप्ट इंडिकेटिंग इंडिकेटिव प्लान, इंडिकेटिव प्लान होता क्या है समझो आप थोड़ा सा। तो काफी सारा 5 ईयर प्लान हुआ, 5 ईयर प्लान का मतलब ही है 5 ईयर का गैप राइट। तो 1951 से स्टार्ट हुआ था, और फिर उसके साथ 5-5 जोड़ लो, बीच में दो जगह गैप हुआ है, एक 4 के टाइम पर, एक शायद मे बी 7 के टाइम पर, आप एक बार चेक कर लेना, 4 और 7 के टाइम पर ये गैप हुआ था बीच में, दो दो साल का या एक एक साल का गैप हुआ था। तो ये थोड़ा सा गैप जो वो चेंज होता है, कई बार डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि 5 ईयर जो 5 ईयर प्लानिंग की जो कमीशन है वो कहाँ पर गैप किया गया है राइट, मे बी इस ये दोनों। और जो 8वां पोजिशन, 8वां प्लानिंग, तो उसका फैक्ट जो था वो इंडिकेटिव प्लानिंग आया था इस समय। इंडिकेटिव प्लानिंग मतलब प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये इसी के बाद हुआ था पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पर। तो 1991 में ये हमारा ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट लाया गया, एक्सेप्ट किया गया, और फिर इकोनॉमी को प्राइवेट की ओर मूव किया गया। इसके पहले क्या था, ना भाई ना राइट, हमें नहीं चाहिए किसी कंट्री का प्राइवेटेशन, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जब अंग्रेज लोग ऐसे उस टाइम पर थे तो हमारा वैसा थिंकिंग बन गया था कि वापस फिर से हमारा कंट्री जो है किसी दूसरे का गुलाम ना बन जाए, इसलिए हम काफी दूर थे। लेकिन काफी समय के बाद 1991 में हम लोग अपना मैंडेट चेंज किया थॉट को। विच ऑफ द फ्लाइंग इवेंट इज नॉट कंसीडर फॉर द टाइम बिगनिंग मीटिंग ऑफ द वाइसराय लॉर्ड लिंटन। तो लॉर्ड लिंटन ने काफी सारा वार्ड वार झेला, जैसे अफ्रीका वार को गया, आर्म वार 1957, प्रेस वार उसी के आसपास का है, लेकिन वर्मा वार लिंटन के द्वारा नहीं किया गया था। तो बेसिकली 3 वार एंग्लो वर्मा वार किया गया है। Which of the flying pair is not correctly matched? इनमें से कौन सा मैच नहीं किया है? तो रिविलियन और रिवोल्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मुंडा संथाल, बेसिकली अगर बिहार से हो तो आपको मुंडा और संथाल तो बेसिकली आपको याद ही रखना है, लेकिन अगर और भी फैक्ट ज्यादा से ज्यादा याद कर सकते हो तो अच्छा होगा। उसमें से एक ऑप्शन है चौड़ रिविलियन, तो ये 80-70 दिया हुआ है, लेकिन जबकि इसका 1799 में इसका हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये हुआ क्या था, जमींदारी सिस्टम, वही ले लो बंगाल में जमींदारी सिस्टम के कारण। फौसा मेघमा इज ए रिलीफ लो लैंड है, रिलीफ लैंड उसको कहते हैं जो रिवर जो है काट करके अपना रास्ता जो बनाती है ना, उसको रिलीफ वैली कहते हैं। तो उसी से जैसे अगर लो लैंड हो गया मतलब ज्यादा हाइट नहीं है तो उसको हम लोग फौना, ये बेसिकली जापान में जो है वो पाए जाते हैं इस तरह का रिलीफ लो लैंड। वेयर इज नंदी है, ये क्वेश्चन में आप कभी कंफ्यूज मत होना, ये नंदी हिल पूछ रहा है, एक नंदा देवी हिल होता है, तो नंदी हिल और नंदा देवी हिल दोनों डिफरेंट डिफरेंट लोकेटेड पर है, सेम जगह लोकेशन आता है तो आप एक भी याद कर लेते तो काम चल जाता है, लेकिन जैसे ही नंदी और नंदा हो जाता है तो ये काफी डिस्टेंस होगा। तो नंदा देवी हिल जो है उत्तराखंड में बनता है, जबकि नंदी हिल जो है वो आपका कर्नाटका में पड़ेगा, और नंदी हिल शिव जी का समझ लिए कि नंदी जो है ना उनके नाम से रखा गया। और साथ साथ एक चीज और फैक्ट याद रख सकते हो कि नंदी हिल कब न्यूज में आया, या फिर कब इसको बेसिकली जाना जाता है, मेडिवल टाइम पर, टीपू सुल्तान, मॉडर्न भी कह सकते हैं, टीपू सुल्तान के टाइम पर आसपास में था।
विच इज द नॉट लेट टू गजल सिंगम, नहीं है। तो ये तीन जो है ऊपर वाले बेगम मलिक कपिनज, ये गजल से रिलेटेड, लेकिन हरि भाई वो गजल से बाहर नहीं। सो फोकस और ये जितने भी ऑप्शन हुए इन सेंटर, इपी सेंटर या सरकम सेंटर, ये सारा चीज है अर्थक्विक से रिलेटेड। इपी सेंटर देख लीजिए आप क्या क्या बोलते हैं, तो फोकस उसको कहते हैं जहां से अर्थक्विक जो है स्टार्ट होता है, राइट। और इसी के टॉप सरफेस में जहां पर अर्थक्विक आएगा उसको हम लोग इपी सेंटर कहते हैं, राइट। तो ये बेसिकली वही पूछा इपी सेंटर क्या मेल सेक्स वेस्ट ऑफ वॉस्ट डिफरेंट, तो उसको हम लोग रेटी टेस्ट जो पहले वाला फिगर बताया था उसमें से एक ऑप्शन भी होगा, आप वो भी डायग्राम दे सकते हो। भूटान नेशनल लैंग्वेज जो है वो क्या है, भूटान नेशनल लैंग्वेज बेसिकली क्या है, दो जन खा जो है वहां पर है। तो आप इसको याद रखना है ना, जोंग याद रखो बस, जोंग मल्टी एप्लीकेशन ऑफ इक्वल वेट एंड ये सेम वही एलिमेंट का डिफिनेशन पूछ लिया, इक्विवेलेंट वेट एंड वैकेंसी उसको डेंसिटी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस बेसिकली जो है जिप्सम में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय मिक्सिंग ऑफ वाटर, और ये डेकोरेशन के काम में आता है। डेकोरेशन हम काफी सॉफ्ट सॉफ्ट देखोगे, व्हाइट व्हाइट रंग का जो बना हुआ रहता है वो सारा चीज प्लास्टर ऑफ पेरिस, मूर्तियां वगैरह काफी बनाया जाता है इससे। अगर आप इंडियन पार्लियामेंट में हो, राइट, इंडियन पार्लियामेंट के हम मेंबर हैं, एमपी है, राइट, और लगातार मैं छुट्टी मार रहा हूँ, आप ऐसे समझो कि आप स्कूल में हो, अगर आपका 60% से अटेंडेंस कम हो जाता है ना तो आप इस स्कूल से बाहर चले जाओगे, मतलब आपको वैकेंट सीट मान लिया जाएगा। तो सेम टू सेम पार्लियामेंट में भी ऐसे ही होता है कि अगर लगातार 60 दिन तक ला, 60 मतलब 2 मंथ तक ला आप छुट्टी में हो, राइट, तो वो सीट वैकेंट हो जाएगा, आपके जो सीट होगा वो आपको रद्द कर दिया जाएगा। There are only 3 parliament season. हाँ, तो parliament season 3 ही होता है, एक मानसून सीजन होता है, फिर एक बजट सीजन होता है, यहाँ पर छूट गया है, बजट होता है, एक बजट होता है, एक मानसून होता है, एक होता है विंटर, तीन तरह का सीजन होता है मतलब वहां पर पार्लियामेंट में। और ये सीजन नहीं है, ये आपका सेशन है, तीन बार होता है। विच ऑफ द फ्लाइंग फंक्शन ऑफ पालजूट, पहले पालजूट जो है बिल जूट जो है वो एक एंजाइम है जो लीवर से रिलीज किया जाता है, क्यों, क्योंकि ये ब्रेक करता है फैट को स्मॉल ग्लोबल में, यानी कि ग्लूकोज में, ग्लूकोज का एक तरह का टाइप है। और सेकंड चीज मेक द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक एल्कलाइन, उसको फूड को एल्कलाइन में कन्वर्ट करने में मदद मिलता है। तो ये एंजाइम है, राइट, एंजाइम होता क्या है, बेसिकली एक लिक्विड फॉर्म होता है, एसिड फॉर्म होता है, जैसे स्टोमच में जो होता है डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड में डिफरेंट डिफरेंट चीज होता है, राइट, डिफरेंट ऑर्गन में। सो लीवर ऑर्गन जो है हमारा, उसमें बेली जूस हो गया, तो हमारा स्टोमच में जो होगा एसिल होता है। विंग बैट्स एंड विंग, ये जो है ना, ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया है, पिछले जो आप मेरा वीडियो नंबर 2 देखोगे टेस्ट सीरीज का, उसमें सेम क्वेश्चन ये वाला पूछा गया, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है इसमें भी, लेकिन दोनों का ऑप्शन जो है एनालोगस ही है। एनालोगस बेसिकली उसको कहते हैं कि डिफरेंट स्ट्रक्चर हो लेकिन फंक्शन एक हो, लेकिन फॉर एग्जाम्पल में विंग, विंग का एक काम क्या है, किसी भी इंसेक्ट को, कोई भी बैट हो या बर्ड हो, उसको उड़ाना एक जगह से दूसरा, तो फंक्शन क्या कर रहा है, सबको तो उड़ाने का फंक्शन कर रहा है, लेकिन उसका विंग जो होता है वो किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी का हल्का होता है, और वही विंग से कोई फास्ट मूव करता है, कोई स्लो मूव करता है, राइट। तो इस सारे स्ट्रक्चर को एनालोगस हम लोग कहते हैं। मेरिस्टेम, फिर से मेरिस्टेम पिछले बार भी आया था, पिछले वाला टेस्ट सीरीज जो हुआ था, मेरिस्टेम विच अकर बिटवीन द मैचर टिश्यू इज नॉन एज इंटरक्लेसिक, तो पूरा एक बार डायग्राम देख लो इसका, किसको क्या कहते हैं, है? तो इंटरनोड, ये इंटरनोड हो गया बीच वाले पार्ट को, ये वाला जो हो गया जस्ट लाइक है हमारा जो शरीर है इसमें भी ज्वाइंट होता है, राइट, दो हड्डियों के बीच में, तो एक हड्डी को हम लोग इंटरनोड कहते हैं, चाहे वो प्लांट हो या फिर ये ह्यूमन का स्ट्रक्चर कंकाल हो, राइट। तो जोन ऑफ इलोंगेशन ये वाला हो गया इंटर कैलरी, यही है हमारा, ये जो है ज्वाइंट के पास में जो होता है वो, और ये ज्वाइंट को हम लोग नोट करते हैं। विच ऑफ द फ्लाइंग पैलम आज कॉल्ड ए फ्लैट वॉर्म, पैलम जो है वो फ्लैट हेल मिंटन्स के नाम से होता है, ये काफी पुराना एक जीव है जो ओशियन में पाया जाता है, काफी पुराना है। विच ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू यू प्लस बी बाई टू, मतलब इसमें ये डायरेक्ट बोल दिया कि एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है, आपको बताना ये क्या है कि u अभी क्या है, व्हाट इज, तो u इंडिकेट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, v इंडिकेट करता है फाइनल वेलोसिटी को।
वोकल कॉर्ड ऑफ वोमेन और मेन से वोकल कॉर्ड जो है, जो वॉइस है हमारा, राइट, वो मैन और वोमेन का कंपेयर किया जा रहा है। तो वोमेन का जो वोकल कॉर्ड होता है वो 5 mm जो होता है शॉर्टर होता है। शॉर्टर होने का कारण जो होता है उसका, उनका जो वोमेन होता है उसका सुरीला या मधुर या पिच जो होता है काफी पतला निकलता है वोमेन का आवाज जो है, और मैन का जो है थोड़ा हार्ड निकलता है। इसी वजह से, ये वोकल कॉर्ड की वजह से, क्योंकि हमारा वोकल कॉर्ड जो है 5 मीटर लार्जर होता है और वोमेन का 5 मीटर शॉर्टर होता है। इस वजह से ये पीच जो होता है वो डिफरेंट होता है। जितना जिस गर्ल, जिस लड़की का या जिस औरत का वोकल कॉर्ड जितना छोटा होगा उसका आवाज जो होगा ना उसी का होता है। तो अब किसी किसी का आवाज काफी सुनने को आता है तो उसका वोकल कॉर्ड का ही डिफरेंस होता है। वोकल कॉर्ड जो होता है उन लोग का काफी मधुर निकलेगा। वर्क डन विच ए चार्ज ऑफ 20 क्लोरी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय 4, ये सिंपल सा वर्क डन का फॉर्मूला पुट करके आप निकाल सकते हो, ये निकल जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट फॉर्मूला को वही पूछ दिया, डिफिनेशन पूछ दिया। तो फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, लिख दिया है बस, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ही तो जी बोलते हैं। द पावर ऑफ एक्सेस इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन द स्केल रीच ऑफ रीच स्केल, तो रीच रीच स्केल जो है वो किसके लिए होता है? अर्थक्वेक के लिए होता है। रिच स्केल, जब भी ये नाम देख रहे होगे आप अर्थक्वेक से, ये डिफरेंट डिफरेंट रिच स्केल है, ये इंडिकेट करता है कि कैसे कैसे, जैसे 0-1 है तो वो पता भी नहीं चलेगा। थर्ड टकला भी है रिच स्केल, वो भी पता नहीं चलेगा। फोर से थोड़ा पता चलेगा, 4 से 6 तकला है वो मॉडरेट है, माइनर स्मॉल मॉडरेट, लेकिन 7 के आस पार आएगा वो मेजर हो जाएगा, राइट। इसमें हिलना डुलना पता चलेगा, एग्जैक्ट पता चलेगा कि अर्थक्वेक आ रहा है। लेकिन अर्थ 8+ हो गया, रिचर स्केल में दिखा रहा है इंडिकेशन कि 8+ हो गया, तो समझ लिए कि वो खतरा का निशान हो गया, मतलब इससे डिस्ट्रॉयड काफी होगा उस पूरे एरिया को, चाहे बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो या कोई भी हो, उस पूरे एरिया को डिस्ट्रॉयड कर देगा ये। तो ये हाई लेवल होता है मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का। द वेव यूज ए थ्रू कास्ट एंड सर्विस वेब पेज एंड द प्रोग्राम, उसको क्या कहते हैं वेब पेज में, तो ये HTML है, इसका फॉर्मूला है। तो HTML का फॉर्मूला जो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML, तो ये डायरेक्ट, ये डायरेक्ट इसमें पूरा फुल फॉर्म दे दिया है HTML ना दे करके, तो आपको एटलीस्ट HTML का फुल फॉर्म तो पता ही होना चाहिए। दी हैज इमर्ज एज कन्वर्सन इन द ग्लोबल कम्युनिकेशन, मतलब पूरी दुनिया में कैसे कम्युनिकेशन बढ़ा, ऑब्वियसली बात है इंटरनेट के मदद से। नेटवर्क तो था, पर आज इंटरनेट ने सोशल मीडिया को इतना पावर बूस्टअप दे दिया गया है कि हर एक लोग एक दूसरे से कनेक्ट है, चाहे वो वर्ल्ड में कहीं भी हो। तो ग्लोबल कम्युनिकेशन में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान। और ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, आई होप यू एंजॉय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।